इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंतक धूम जायमान है, ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है, धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है, जायमान है वो अटल विधान है, विजय का वो प्रमाण है, ब्रह्मांड का अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था, बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। लगता है संविधान में तुम्हारी शिक्षा दीक्षा काफी अच्छी तरह से हुई है। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं संविधान की हूँ? वो तो तुम्हारा यान देखकर ही पता चल गया था कि तुम संविधान की हो। लेकिन संविधान की लड़कियाँ कभी औरतों पर वार नहीं करती, ऐसा उनका उसूल है। उसके ऊपर एक उसूल और भी है, संविधान की लड़कियाँ अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। काफी तेज और ताकतवर हो बच्ची, लगता है तुम्हारे शरीर में कुछ खास ही खून है। अब ये खून हमारे काम आएगा। बहुत ताकतवर समझती हो खुद को, हाँ आओ बढ़ो आगे। पाप शक्ति रक्षंद्रा हूँ मैं, मेरी इजाजत के बिना तुम्हारा शरीर यहाँ सांस भी नहीं ले सकता है बच्चे। उम्मीद है अब कोई भी हरकत करने से पहले तुम एक बार सोचोगी जरूर। कौन हो तुम? सुना नहीं? पाप शक्ति रक्षिंद्रा हूँ मैं। हमारे केंद्र पर कब्जा क्यों किया तुमने? केवल ये केंद्र नहीं, ब्रह्मांड में फैले संविधान के सभी केंद्रों पर कब्जा करना चाहती हूँ मैं। ये तो अभी शुरुआत है, ब्रह्मांड में मैं सबको ये दिखाना चाहती हूँ कि नारी की वास्तविक शक्ति पाप शक्ति रक्षिंद्रा है, संविधान की नारियाँ नहीं। नारी शक्ति कभी पाप शक्ति नहीं हो सकती। ऐसा तुम संविधान की बहनें मानती हो, मैं भी कभी संविधान की बहन हुआ करती थी। क्या? हाँ, शक्तिशाली नारी बनने की महत्वाकांक्षा ने मुझे सदस्य बनाया संविधान का। संविधान में शिक्षा लेने के बाद मुझे ऐसा लगा
कि मैं उतनी शक्तिशाली नहीं बन पाई हूँ जितना मैं बनना चाहती थी, और शक्तिशाली बनना चाहती थी मैं। इसलिए मैंने गुप्त रूप से पाप शक्तियों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। मेरी शक्तियाँ अर्जित होने लगी, मेरी शक्तियाँ बढ़ने लगी। पर इस बात का गुरु माता को पता चल गया और उन्होंने मुझे सवितांग से निकलवा दिया। हाँ, क्योंकि तुमने सवितांग के नियमों का उल्लंघन किया था। अब सवितांग के नियम मैं बनाऊंगी, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। शायद सवितांग की नारियों की शक्ति को तुम भूल रही हो रक्षिंद्रा। ना 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 ना, भूल कैसे जाऊंगी? सवितांग की नारियों की ताकत ही तो मेरी ताकत है, उनसे ही तो बढ़ती है मेरी ताकत। मैं भला अपनी ताकत को कैसे भूल जाऊंगी? सवितांग की नारियों से तुम्हारी ताकत बढ़ती है? मैं समझी नहीं। अभी समझाती हूँ, देखो। लेकिन तुम जीवित बच सकती हो, बस हमें अपने यान को खोलने का तरीका बता दो। शायद वहां जाकर कोई रास्ता निकल सके। क्या सोचा, जल्दी बताओ वरना उस यान को मेरे अलावा और कोई नहीं खोल सकता। मुझे यान के पास अगर लेके जा सकती हो तभी ये संभव है। ठीक है, पाप शक्ति रक्षिंद्रा, पाप शक्ति रक्षिंद्रा, चलो मेरे साथ। रक्षिंद्रा को देखकर तुम्हारे कदम रुक क्यों गए? तुम कैद खाने में जाना चाहती हो ना? जाओगी, जरूर जाओगी, मगर अपनी सहेलियों को छुड़ाने के लिए नहीं। कैदी बनकर जाओगी तुम। योद्धा को साथ लाकर तुमने क्या सोचा? तुम रक्षिंद्रा को हरा दोगी? पाप शक्ति रक्षिंद्रा को हरा दोगी? ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि रक्षिंद्रा किसी पुरुष से हार सकती है? शक्तिशाली पुरुषों के शरीर के चमड़े का जूता बनाकर पहनती है रक्षिंद्रा। तुझे अपने आप तो बहुत घमंड है रक्षिंद्रा, ये मत भूलो अहम की आग बहुत खतरनाक होती है। इंसान जल जाता है उसमें मगर उसे पता भी नहीं चलता। तुम अपनी सोचो, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम किस भयानक आग में जलने वाले हो। ले जाओ उन दोनों को। तो
रक्षिंद्रा को खत्म करने के लिए। कोई नहीं खत्म कर सकता है पाप शक्ति रक्षिंद्रा को। कोई नहीं रोक सकता है रक्षिंद्रा को ब्रह्मांड की महाशक्ति बनने से। कोई नहीं। अरे भाई मान जाओ, इस तरह पीछे मत पड़ो, मान जाओ। नहीं मानोगे तो ये लो। इसे कहते हैं महानायक के लड़ने का अंदाज। लड़ने आए थे अब कैसा? तो तुम्हारा नाम है आर्यमान। जी तो चाहता है कि तुम्हें इसी वक्त तेजी के साथ कैद खाने में डाल दूं, मगर तुम मुझे काबिल योद्धा लगते हो। अगर तुम चाहो तो रक्षिंद्रा तुम्हें प्राण दान दे सकती है, मगर तुम्हें ब्रह्मांड को फतेह करने में मेरा साथ देना होगा। बोलो, दोगे? आर्यमान, तुम अवश्य रक्षिंद्रा को मार सकते हो, परंतु ये भूलना मत, वो एक दुष्ट और शक्तिशाली नारी है। नारी वैसे भी अपने आप में शक्तिशाली होती है, परंतु उस दुष्ट नारी के पास पाप की शक्ति भी है। उसे हराना आसान काम नहीं होगा। आर्यमान किसी पापिनी का साथ नहीं देता, कभी नहीं। मौत का खौफ भी नहीं है तुम्हें? जिसके साथ सत्य का कवच हो वो किसी से नहीं डरता, मौत से भी नहीं। होगा, डर भी होगा।